challenges to nationalism in this session we are going to highlight some basic challenges to nationalism because nations are facing today with a new set of societal and economic challenges because in the era of glo economic globalization there are various things that are under the change a very speedy change uh, every state is facing दोज क्रिटिकल चेंजेज एज वेल एज द चैलेंजेज़ क्योंकि जो कल्चरल इंटरकुनेक्टिविटी है दैट इज़ इंक्रीजिंग जो इकनॉमिक इंटरकुनेक्टिविटी है दैट इज़ ऑल्सो चेंजिंग तो वो जो ग्रुप लॉयल्टी है जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज़्म थी कि ख़ास ग्रुप के साथ आपकी एफिलेशन होगी क्या उसको चैलेंज नहीं है क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी स्टेट से निकल कर दुनिया का हिस्सा बनते हैं और हम दुनिया के अंदर होने वाले इश्यूज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं दुनिया में जहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है दुनिया के अंदर अगर एनवायरमेंट का इशू जो है वो फेस करना पड़ रहा है दुनिया को दुनिया के अंदर ओवर पॉपुलेशन का इशू फ़ेस करना पड़ा है तो ये वो इश्यूज हैं जो लार्जर लेवल पर दुनिया को फ़ेस करने पड़े हैं ये किसी ख़ास ग्रुप के इश्यूज नहीं है तो उसी तरीके से ये सब जो हैं ये नेशनलिज्म के लिए भी चैलेंजेस बनते जा रहे हैं बिकॉज नेशन स्टेट्स सी देयर सॉवरन पावर्स इोडेड एंड आर ट्रांसफॉर्म टू पोस्ट नेशनल स्टेट्स एज द पोलिटिकल स्पेस दे गवर्न क्योंकि अब गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ किसी स्पेसिफिक एरिया के बारे में अब उसको नहीं सोचना बल्कि उसको ये भी सोचना है कि ये एरिया जो उसके अंडर कंट्रोल है ये किन चीज़ों से अंडर इन्फ्लुएंस आ रहा है कौन से फैक्टर्स हैं जैसे जैसे दुनिया के अंदर वॉर की नेचर चेंज हो रही है जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है जैसे जैसे आफ्टर द वॉर ऑन टेरर फेज अब दुनिया के अंदर एनिमीज की नेचर चेंज हो रही है तो उसी तरीके से जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी जो इसकी डिबेट थी उसके अंदर भी अब नई जो डिबेट या इश्यूज या कंसर्न्स हैं वो भी राइज हो गए हैं तो हम ये देख सकते हैं नेशंस द हैव द बिलीव दैट देयर पावरफुल सोर्स ऑफ आइडेंटिटी एंड लजिटमेसी लाइज विद द ग्रुप लॉयल्टी कि जो ग्रुप है वो उनके लिए टॉप प्रायोरिटी था ज़ाहिर ऐसा वक्त दुनिया ने देखा है आज भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो अपने ग्रुप लॉयल्टी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं उसके लिए वो स्ट्रगल भी करते हैं और करना भी चाहते हैं या उस ग्रुप को सिक्योर भी करना चाहते हैं लेकिन अब इस वक्त दुनिया के अंदर ख़ास तौर पर यूरोप के अंदर जो एक वेव आई जिसमें ये देखा गया कि लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं लोगों के की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है दैट मैटर्स अ लॉट अगर लोग इकोनॉमिकली सेटिस्फाइड नहीं है तो कैसे उनको किसी ग्रुप की वजह से इकट्ठा रखा जा सकता है फिर दुनिया ने यह भी देखा कि एक बहुत बड़ी सुपरपार जो है वो ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू द सोशल कॉन्सटेंट्स वो भी यूनिट्स में डिवाइड हो गई और फिर उस डिवीजन के तौर पर नई स्टेट दुनिया के मैप पे राइज़ हुई हैं तो जहाँ ग्रुप लॉयल्टी दैट मैटर्स अ लॉट ग्रुप लॉयल्टी ह्यूमन बीइंग की एक सेटिस्फेक्शन का बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो अपने ग्रुप में ज़्यादा सिक्योर फील करता है अपने ग्रुप के साथ उसकी लॉयल्टी जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है लेकिन उसके साथ आजकल की दुनिया के अंदर सर्वाइवल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और सर्वाइवल सिर्फ आपका ग्रुप आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता बिकॉज द वर्ल्ड इज़ अंडर स्पीडी चेंज और उस चेंज के अंदर जो नई रिक्वायरमेंट्स हैं और जो नए तकाज़े हैं आजकल की दुनिया के अंदर जहाँ आप चीज़ें छुपी हुई नहीं हैं अगर आपका ग्रुप आपको वो सब एलिमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकता और आपको स्टेट पर आपकी डिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है क्योंकि आपको मॉडर्न वर्ल्ड का पार्ट बनकर रहना है तो इस सिचुएशन के अंदर जो नेशनलिज़म के चैलेंजेस हैं वो भी अब ट्रेडिशनल से निकलकर बहुत सारे नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस राइज हो रहे हैं और ड्यू टू दोज नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस नाउ द फीलिंग ऑफ नेशनलिजम ऑल्डो इट एग्जिस्ट एंड इट विल एग्जिस्ट इन कमिंग डेज और इन कमिंग कमिंग्स बट स्टिल देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड ड्यू टू दो चैलेंजस नाउ पोलिटिकल सोशोलॉजि दे आर thinking about the new dimensions and the new debate and dialogue within the field of, within the debate of nationalism. because nationalism is the feeling of oneness on the basis of some specific identity and that identity can be on the basis of religion, on the basis of language, area, culture so these all common practices these are still important and relevant but the challenges are also very much intense and grave